आज तो कोई इलेक्शन नहीं है, ये अरेस्ट हो गए, तो ये कह रहे हैं कि बदले की भाव से अरेस्ट हो गए, मतलब चित भी मेरा पट भी मेरा। आज शुभेंदु अधिकारी मुकुल रॉय को समन क्यों नहीं भेजा, क्योंकि वो लोग बीजेपी के वॉशिंग रूम में भूल के साधु बाबा बन गए। हार अपनी पचा नहीं पा रही है बीजेपी, इसीलिए अब खेला शुरू कर दिया है सीबीआई का पश्चिम बंगाल में, जो टीएमसी आरोप लगा रही है। देखिए तथ्यों को जानना चाहिए। 2016 में पहली बार कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार सीबीआई ने नारदा केस में, नारदा का स्टिंग का केस आया था, नारदा स्टिंग केस में एफआईआर दर्ज किया। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि आप इसमें पूरे सुचारू रूप से इन्वेस्टिगेशन करिए, एफआईआर दर्ज करना होगा, जो भी स्टेटमेंट दर्ज करना है वो आप करिए। सीबीआई अपना काम कर रही है। सपोज करिए 2017 में ये अरेस्ट हो गए होते, 2018 में ये अरेस्ट हो गए होते, तो यहाँ अभी डिबेट होता कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई ने यहाँ पर बदले की राजनीति। सपोज करिए 2020 में, 2020 में ये अरेस्ट होते तो लोग कहते कि 2021 में विधानसभा के इलेक्शन है इसलिए आज वो अरेस्ट हो गए। आज तो कोई इलेक्शन नहीं है, ये अरेस्ट हो गए, तो ये कह रहे हैं कि बदले की भाव से अरेस्ट हो गए, मतलब चित भी मेरा पट भी मेरा। 2019 में तो लोकसभा के स्पीकर के पास सीबीआई ने एविडेंस जमा किया था शुभेंदु अधिकारी का, अभी तक वो क्यों नहीं लोकसभा से पास हुआ, स्पीकर क्यों परमिशन दिया है? आज शुभेंदु अधिकारी मुकुल रॉय को समन क्यों नहीं भेजा, क्योंकि वो लोग बीजेपी के वॉशिंग रूम में धुल के अब साधु बाबा बन गए। इस टाइम पे सीबीआई ने जो हरकत किया, आज जो हुआ है बंगाल में, जब केसेस बढ़ेंगी, अगर लोग मरेंगे तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जांच होना चाहिए सीबीआई का, और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। आप तो शुभेंदु और मुकुल का सिर्फ क्यों नाम ले रहे हैं? मैं तो कहता हूं काकोली घोष जोशीधर एमपी है, सौगत राय एमपी है, सबको एक साथ बुलाइए ना। एक परसेप्शन ये जो हो रहा है पिक एंड चूज का, इसको भी खत्म करना चाहिए ना। तो आप देखिए, जो मैथ्यू ने इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सब किया था, वो खुद आज एक वीडियो क्लिप दिया है जिसमें बोला है कि शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा। तो जिसने ये पूरा तमाशा किया है, पूरा मतलब हम तमाशा नहीं कहूंगा इसको, जो मेरा हिंदी खराब है, मैं जो कहना चाहूंगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन, हाँ, पैसा ले रहे हैं ये तो सही बात है, शुभेंदु ने पैसा लिया है ये तो सब लोग देखे हैं, काकोली को माना जाए तो। तो क्रेडिबिलिटी बढ़ता। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि कोरोना के टाइम में अरेस्ट करने के समय थोड़ा समझना चाहिए। सुब्रत मुखर्जी एजेड मैन है, अस्वस्थ है, अगर मान लीजिए कस्टडी में किसी, अगर किसी का कुछ हो जाए, भगवान करे ना हो जाए, तो वो शिकायत तो सीबीआई के खिलाफ ही जाएगा ना, तो वी शुड बी अलर्ट। आम इंसान को हमें यह समझ में नहीं आता कि ये तूफान क्यों आता है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने हमें थोड़ा सा अवेयर कर दिया तो ये बात समझ में आने लगी है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो क्या ये जो सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार, उसका ये असर है, उस वजह से होता है? पहले क्या होता था कि जो रेशो था वो 7:3 था, यानी कि 7 अगर तूफान बंगाल की खाड़ी में आते हैं तो 3 अरब सागर में आते थे, और ये दोबारा जो पीक आता है ये अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का आता है। लेकिन अब हमने देखा, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ने लगी है, वो आप कह सकते हो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का असर है, और अरब सागर में अब सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं। जो हमने देखा कि इस बार ये जो ताउते का तूफान बना है तो सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री या उससे अधिक होना चाहिए साइक्लोजेनेसिस के लिए, लेकिन इस बार हमने देखा कि 31 डिग्री तक तापमान बना हुआ था, और जैसे ही हम नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में पहुंचते हैं तब समुद्री सतह के तापमान थोड़े से कम होने लग जाते हैं, जिससे कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि गुजरात के तट तक आते आते ज्यादातर तूफान डिप्रेशन में तब्दील हो गए या डिफ्यूज हो गए। लेकिन ये जो तूफान है अब हमने देखा कि लगातार जो 30 डिग्री का जो तापमान बना हुआ है और वर्टिकल विंड शियर भी कम है, इसीलिए इसने इतनी ज्यादा शक्ति अर्जित की, यानी कि इतना ज्यादा शक्तिशाली बना। जो पूर्वी तट पर तूफान आते रहे हैं तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक जी, और मेरा जो राज है आंध्र प्रदेश जो होता था और उड़ीसा, ये सब ईस्ट कोस्ट पे होने पर ये बहुत सारे तूफानों का मुकाबला करने से हम लोगों ने, जब मैं एनडीएमए का वाइस चेयरमैन था, मेंबर और वाइस चेयरमैन था, हम लोगों ने बहुत बड़ी पैमाने पर यहाँ पर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करते गए, और जिसकी वजह से 2013 में अक्टूबर 12 2013 फाइलिन तूफान आई, 200 किलोमीटर से बढ़कर हवा वहां पर चलने लगी, और कई इंटरनेशनल एजेंसीज ने यह कहा कि यहां पर हजारों की तादाद लोग मरेंगे, लेकिन उस वक्त हमने
करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थलों पे हटा दिया गया था जो लो लाइंग एरियाज हैं, और उससे मरने वालों की संख्या सिर्फ 23 तक हमने सीमित करने पर हम सफल हुए। ताउते तूफान का नाम किसने रखा, इसका मतलब क्या होता है, और अब अरब सागर में इतने चक्रवाती तूफान क्यों आने लगे, आज ये भी जानना जरूरी है। तूफान के विचित्र नाम होते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के लिए इनके नाम रखने का एक सिस्टम है। जैसे हिंद महासागर के देशों के लिए वर्ष 2000 से एक नई व्यवस्था बनाई गई, जिसमें हिंद महासागर के देश तूफानों को के नामों की अपनी अपनी लिस्ट देते हैं, और उसमें अल्फाबेट के हिसाब से एक के बाद एक क्रम में तूफानों का नामकरण करते हैं। फिर बारी बारी से देशों के दिए नामों के आधार पर तूफान का नाम तय हो जाता है। जैसे पिछले साल निसर्ग तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया था, अम्फान तूफान का नाम थाईलैंड ने दिया था, अब ताउते तूफान का नाम म्यांमार से आया है। म्यांमार में ताउते एक प्रकार की बड़ी छिपकली होती है, जिसे गेको के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत तेज आवाज निकालती है। इसके पीछे सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब जितने चक्रवाती तूफान आ रहे हैं उनके केंद्र में अरब सागर है, यानी अरब सागर से ही ज्यादा चक्रवाती तूफान उठ रहे हैं। फिर चाहे पिछले साल आया निसर्ग हो या फिर इस बार ताउते तूफान, एक अनुमान के अनुसार पिछले 4 साल से अरब सागर चक्रवाती तूफानों का केंद्र बन गया है। 2017 से पहले सालाना 5 चक्रवाती तूफान आते थे, जिनमें 4 बंगाल की खाड़ी में और 1 तूफान अरब सागर में आता था, लेकिन 2017 के बाद से अरब सागर में औसतन 3 चक्रवाती तूफान हर साल आने लगे। 2019 में अरब सागर ऐसे छोटे बड़े 5 तूफानों का केंद्र था, तो 2020 में 2 तूफानों का केंद्र। एक्सपर्ट्स के अनुसार जलवायु परिवर्तन से चक्रवाती तूफान की न सिर्फ संख्या बढ़ रही है, बल्कि इन तूफानों की ताकत भी बढ़ रही है। हर तूफान पहले के तूफान के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाता है, यह हमें इस बार ताउते तूफान में भी दिख रहा है।